के गांव छायसा में अज्ञात हमलावरों ने देर रात एक मकान पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। बेखौफ हमलावरों का आतंक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद दो युवकों ने पहले मकान पर पत्थर बरसाए और फिर बाहर खड़ी टाटा गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। घंटों तक दो अज्ञात हमलावरों ने घर के बाहर जमकर उत्पात मचाया। पीड़ित परिवार ने डर की वजह से मकान का दरवाजा नहीं खोला और हैंडल डायल नंबर पर पुलिस को सूचना दी, अपनी जान बचाई। शराब के नशे में दुर्गत ईंट पत्थरों से टाटा गाड़ी के शीशे तोड़ते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये वही दुर्गत अज्ञात हमलावर हैं जिन्होंने देर रात को फरीदाबाद के गांव छायसा में रहने वाले एक परिवार पर ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। पहले हमलावरों ने मकान पर ईंट पत्थर बरसाए जिससे मकान के शीशे टूट गए। इसके बाद जब मकान में मौजूद परिवार ने लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो फिर हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी टाटा 407 गाड़ी के शीशे तोड़ना शुरू कर दिया। घंटों में नशे में उत्पात मचाने के बाद हमलावरों ने गाड़ी के पूरे शीशे तोड़ दिए। पीड़ित परिवार के सदस्यों की माने तो उनकी किसी से भी दुश्मनी नहीं है, वह ना ही हमला करने वाले युवकों को पहचानते हैं। कोई पुलिस को सूचना दे दी है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहला काम सो रहे थे जब आए, जब गाली गलौज दे रहे थे, फिर हम देखने वहाँ पर गए, फिर उन्होंने शीशा तोड़ा और गाड़ी का शीशा तोड़ा। अच्छा, कौन लोग थे पता नहीं, कौन आप नहीं जानते? नहीं जानते। हमारे घर पे जी एक गाड़ी आई थी, उसमें से दो बंदे यहाँ पे आए थे, दो तीन सड़क पे खड़े थे, उन्होंने आके गाली गलौज की थी, उनके नाम लेके बाहर आ गेट खोल, 10-15 मिनट रुके थे, फिर गेट नहीं खोला, उनके जान से मारने की धमकी दी थी, उनके पास हथियार थे, इसके डर से हमने गेट नहीं खोला और वे बोल रहे थे नहीं खोलोगे तो जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने गेट नहीं खोला, उन्होंने तोड़ फोड़ चालू कर दी और हमने 100 नंबर पर कॉल की थी। कुछ टाइम बाद पुलिस आई थी, फिर वो भाग गए थे। कौन लोग हैं और क्या कोई पुरानी रंजिश थी उनसे? हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, नहीं हम उन्हें जानते और वे आए और हमें नहीं पता। कुछ नेताओं का तो नाम आ रहा है इसमें, ना नेता के भांजे हैं। जब वीडियो वायरल हुई थी ना उसकी, जो कैमरा में फोटो जारी थी, उसके बाद उसे नहीं पता था। एक तो राजा नाम का लड़का था, उसको एक भांजा था। अच्छा,